मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इन दिनों दीपिका पादुकोण के दिल्ली की JNU जाने को मामले को लेकर काफी विरोध का सामना दीपिका और उनकी फिल्म को करना पड़ रहा है। ऐसे में मंदसौर में भी फिल्म लगने को लेकर कांग्रेस ने चर्चा करते हुए और कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वे मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हैं और दीपिका की इस फिल्म का स्वागत करते हैं। दरअसल ये फिल्म सामाजिक बुराई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आधारित है और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है और मंदसौर वासियों से, खासतौर पर मंदसौर कांग्रेस नेताओं ने अपील की कि वे बेझिझक निर्भीक होकर और फिल्म को देखें और सामाजिक बुराई और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को समझे और उनका डटकर सामना करने को लेकर इस फिल्म की सराहना करें। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया है, वे इसका पूरा फायदा उठाएं और सभी सिनेमाघर संचालकों से भी अपील की कि वे भी निर्भीक होकर इस फिल्म को लगाएं। अगर कोई विरोध करता है तो वो गलत है। इस तरीके की फिल्मों का विरोध करना, उन्होंने तथाकथित लोगों का नाम लेते हुए यह भी कहा कि उनके द्वारा किया जा रहा विरोध सरासर गलत है। पहले आम जन की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये दीपिका पादुकोण का JNU की घटना के खिलाफ खड़े होना और ये दिखाना कि बॉलीवुड के बड़े तारे सितारे इस बात के खिलाफ है जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं पे ध्रुवीकरण की राजनीति, दबंगकारी राजनीति के तहत BJP और RSS काम कर रही है। दीपिका पादुकोण की इस पिक्चर जो सामाजिक, जैसा भाई महीन जी ने बताया कि एसिड अटैक जो कि एक तरीके की परिणति चालू हो गई थी, उसके ऊपर प्रोड्यूसर के रूप में दीपिका पादुकोण और अभिनेत्री के रूप में उसने काम करने का ये और मूवी बनाने का जो निर्णय लिया उसको मुख्यमंत्री जी ने दोनों एंगल से हम उसका स्वागत करते हैं कि ऐसी अटैक जैसी घटनाएँ रुके, लोग उसके प्रति जागरूक हों। और जो लोग इस बात के लिए उसका विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसको अभी विरोध होना चाहिए। ऐसा कोई विरोध नहीं करेंगे, आम जन उसका जवाब देगी। जो भी ताकत किसी चीज़ का विरोध करती है जबरदस्ती के लिए कि केवल कोई अभिनेत्री किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अगर उसका विरोध किया जाता है तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की हमने पहले भी देखा है और मंदसौर में भी ऐसा होगा नहीं। प्रशासन यहाँ सख्त कार्रवाई करेगा जो भी जबरदस्ती विरोध करने का काम। कोई भी फिल्म बनती है समाज में नई दिशा, नई जागृति, बुराइयाँ उनका उन्मूलन के लिए बनती हैं। वो दीपिका जी ने जो अपना जो रोल किया है वो बेहद बहुत ही बखूबी है। जो बालिका के ऊपर, छात्रा के ऊपर, आम महिला के ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, चाहे वो एसिड का हमला हो या अन्य हमला हो, किसी भी प्रकार का जो भी मानवीय मूल्यों के खिलाफ नारी शक्ति के ऊपर जो हमला होता है उसके विरोध में या उसको लेकर जो छात्र फिल्म का छायाकार किया गया, जो रोल किया गया है वो एक आदर्शवादी।